श्री राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं लिया? हमारे टीकाकारों ने इसको पीछे बताए, इसका पहला कारण बताए, जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार श्री राधा जी का नाम को लेते थे वो 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे। बोले एक बार नाम लेकर 6 महीना बेहोश हो गया, मेरे पास में कुल 7 दिन, फिर मैं ये कथा को 7 दिन में समाप्त कैसे करूं? इसलिए उन्होंने श्री राधा जी का नाम नहीं लिया। ये पहला कारण। दूसरा कारण, श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रश्न की, बोले हे राधे आपका नाम को भागवत में किस रूप में लूं? बोले स्पष्ट रूप में मत लेना, लेना तो छुपा करके मेरे नाम को लिया करना। इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम तो लिए लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप में नहीं लिया, उन्होंने छुपा करके लिए। इसका तीसरा कारण बताए, जैसे मेहंदी, आप लोग मेहंदी लगाते हो, मेहंदी पत्ते देखे हो आप, बताओ तो मेहंदी पत्ते का रंग कैसे? हरा। लेकिन क्या वास्तव में वो हरा है? नहीं, क्या है? लाल। इसलिए लेकिन ऊपर क्या दिखती है? हरा हरा। लेकिन उसको पीसो तब भी वो हरा दिखेगी, फिर जब हाथ में लगा दे तो लाल हो जाता है। उसी तरह भागवत तो ऊपर से दिखता है कृष्ण 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 कृष्ण, ऊपर से दिखता है कृष्ण कृष्ण, लेकिन अंदर में क्या है? अंदर में श्री राधे 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 दिखता है। इसका चौथा कारण बताए, इसका चौथा कारण बताए, जैसे दसम स्कंध में आप देखोगे पूरी कृष्ण 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 कथा और कुछ नहीं है। उदाहरण दिया है, जैसे एक बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं, एक इंसान, एक जानवर, एक चिड़िया, लेकिन अगर कुएं में पानी हो ना, देखना ये पानी सब नहीं पी सकते हैं। कौन पिएगा? जिसको पास में कोई रस्सी और कोई पात्र हो ना, केवल वही व्यक्ति ही कुएं का पानी को वही पी सकते हैं। इसका मतलब बोले कृष्ण भक्ति आसानी है, कृष्ण भक्ति तो सब कर सकते हैं, लेकिन राधा जी की भक्ति दुर्लभ है। जैसे नदी का पानी, उसमें कोई कपड़ा धो रहा है, कोई गैया खा रहे हैं, कोई स्नान कर रहे हैं, उसमें सारे पानी बहते हो जाता है, लेकिन कुएं का पानी पवित्र ठंडा और निर्मल होता है, है? तो उसी तरह जो राधा जी की जो भक्ति, ये दुर्लभ भक्ति है, कहते इसको कौन कर सकता है? बोले जिसको पास में रस्सी और कोई पात्र होना, वही व्यक्ति और कुएं का पानी पी सकता। बोले तात्पर्य क्या? बोले तात्पर्य है जब तक हम किसी रस्सी की परंपरा में नहीं जुड़ेंगे, जिस संप्रदाय में राधा जी की ही भक्ति हो, जब तक उसी परंपरा में नहीं जुड़ेंगे, भैया राधे राधे बोलने से काम नहीं चलेगा, हैं? इसलिए भागवत में स्पष्ट रूप में से राधा जी का नाम नहीं बताया। अभी आप लोग बताओ, जो कथा हम सुन रहे हैं, बताओ तो ये ग्रंथ का नाम क्या? कौन बोलेगा हाथ उठा? बताओ जो ग्रंथ हम सुन रहे हैं, ग्रंथ का नाम क्या है? क्या ग्रंथ का नाम? हाँ, ये चीज को समझो, केवल भागवत नहीं, श्रीमद् भागवतम। बोले श्रीमद् मतलब, बोले श्री मतलब होता है शोभा, सौंदर्य, और मूल जो श्री मतलब लक्ष्मी, और जो मूल लक्ष्मी वो श्री राधा रानी। इसलिए बोले ये भागवत क्या है? बोले श्रीमद् मद मतलब होता है प्रेम। हम कहते हैं ना भैया मदमस्त हो गया, मतवाला बन गया, है? उसी तरह कहते ये श्रीमद् है, मतलब राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती है तब ये भागवत है। एक उदाहरण दिया, कोई एक सेठ था, वो खूब पैसा कमाता है, लेकिन वो सेठानी को देता है, और सेठानी बड़ा सुंदर आलमीरा में लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी, हाँ, बड़े सुंदर रूप में सजा करके रखता है, और बड़े सुंदर सोने चांदी को बड़े सुंदर